कि यार मेरे को यूट्यूब पे ना वीडियो मिली नहीं उसके लिए, तो मेरे को लग रहा था कि यार इस पे तो बनानी पड़ेगी। विच इज़ यूसे माने का जो पांचवा स्ट्रगल है वो है हाउ टू गेट एन इंटर्नशिप इनटू द यूएस। बहुत टफ रहता है, कैसे मेरे को मिली थी बात करते हैं इस वीडियो में। सो वेलकम गाइस टू अनदर वीडियो, और इस वीडियो में बात करने वाले हम हाउ टू गेट एन इंटर्नशिप इनटू द यूएस। ये है पांचवा स्ट्रगल। इससे पहले मैं चार स्ट्रगल्स बता चुका हूँ यूएस में आने के लिए, जो कि इनिशियल स्ट्रगल था, उसके बाद यूएस में उतर के आपको कैसे यहाँ से अपना ट्रांसपोर्टेशन करना है, तीसरा था आपको हाउसमेट्स कैसे ढूंढना है, चौथा था आपको यूनिवर्सिटी में सर्वाइव कैसे करना है, कैसे अच्छे से डिग्री करके निकलना है। पांचवा जो स्ट्रगल है आप इंटर्नशिप का स्ट्रगल कह सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो अगर मेरे को अच्छे से याद है तो मैंने इंटर्नशिप अप्लाई करना शुरू करा था सितंबर में, 22 में आ गया था मैं, सितंबर 6 को आया था क्योंकि मेरे को वैक्सीन लेनी थी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो मैंने सितंबर एंड से इंटर्नशिप अप्लाई करना शुरू कर दिया था। इंटर्नशिप शुरू होती है आपकी नेक्स्ट समर में, जो कि आपका होता है जून टू अगस्त। मेरी इंटर्नशिप लगी थी जाके कहीं May 26-27 को, और वो भी 700+ या 800 भी कह सकते हो, क्योंकि मैंने 700 के बाद काउंट नहीं रखा और मैं रोज़ ही अप्लाई कर रहा था। तो 700-800 एप्लीकेशन करने के बाद भी मई में जाके लगी थी। तो इंटर्नशिप और जॉब सर्च में ना हमेशा मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जिन लोगों की लगी है ना उनने कुछ सही नहीं करा, और आपकी नहीं लग रही है तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। सेम प्रोसेस है सबका, अप्लाई करना ऑनलाइन, रेफर लेना है ऑनलाइन, रिक्रूटर्स को रीच आउट करना ऑनलाइन, हायरिंग मैनेजर्स को रीच आउट करना ऑनलाइन। ये चार चीज़ें जिनकी इंटर्नशिप लग गई है उनने भी करी है, आप भी कर रहे हो। अब खेल आ जाता है सिर्फ लक का यहाँ पे, कि क्या आपका रेज्यूमे जो ATS से निकला नहीं निकला। ATS होता है यहाँ पे, जो सिस्टम होता है आपका रेज्यूमे उससे पार्ट्स होकर के फिर रिक्रूटर के पास जाता है। उससे निकलना या नहीं निकलना वो थोड़ा लक बेस्ड भी है, थोड़ा आपको रेज्यूमे अपना मॉडिफाई भी करना पड़ता है। अब रेज्यूमे अपना कैसे मॉडिफाई करना है आपको ATS से निकालने के लिए, मतलब उसमें वीडियो अच्छे से बना नहीं सकता हूं, क्योंकि मतलब टेक्निकली आप ATS को ऐसे जान नहीं सकते। बट मैं आपको एक एडवाइस जरूर दूंगा अगली वीडियो में कि आपको रेज्यूमे में स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं डेटा साइंस फील्ड में हूँ, तो आपको डेटा साइंस रिलेटेड कीवर्ड्स कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं मैं अपने रेज्यूमे आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप उस चीज़ को अपने कीवर्ड्स को इंटीग्रेट कर सकते हो, ताकि आपका ATS से निकल के रिक्रूटर के पास कम से कम पहुँचे। ठीक है, तो इंटर्नशिप का स्ट्रगल शुरू होता है। काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ इंटर्नशिप कैसे लगनी है, कैसे कौन से मेन रिसोर्सेज हैं, लिंक्डइन, ग्लासडोर, इंडीड, हैंडशेक, monster.com, ये 4 या 5 रिसोर्स हैं मोटे से, जो इन में आपको जाके अप्लाई करना है और रेफर लेना। अगर आप नहीं जानते हो, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, US में 0 लोग हैं, बट तब भी मैं हर कंपनी में ट्राई करता हूँ कि मैं 5 से 6 रेफर कम से कम लूँ, और मैंने उससे ज़्यादा भी लिए हैं। अभी कैसे मैंने लिए हैं इसके बारे में अगली वीडियो में बात करने वाले हैं। इसमें से मैं स्ट्रगल बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे आके इंटर्नशिप लगना, देखो बहुत लोग की इजीली लग भी गई थी, बहुत लोग की जैसे हम मेरे जैसे हैं काफ़ी एंड में लगी थी, और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनकी नहीं लगी है। जिनकी नहीं लगी है ना उनने कुछ गलत नहीं कर रखा कि उनकी इंटर्नशिप नहीं लगी है। बहुत बार लक का फैक्टर आ जाता है, बहुत बार हमें नहीं पता होता क्या हो रहा है, बट चीज़ें आ जाती हैं कुछ ना कुछ, ठीक है, जो जिनकी चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं। तो वही कोट है हमेशा जो याद रखना है आपको कि यार कुछ गलत नहीं कर रहे हो नहीं लग रही है तो, और लग गई है तो कुछ सही नहीं कर रहा है, और कुछ सही नहीं कर रहा है मैं तब तक कह रहा हूँ जब तक इंटरव्यू नहीं आता है। इंटरव्यू आने तक ना वो सारा प्रोसेस सेम है। इंटरव्यू के बाद तुम वो निकाल पाते हो नहीं निकाल पाते हो तुम्हारे ऊपर है। इंटरव्यू आ गया उसके बाद इंटर्नशिप नहीं लगी है नहीं लगी उसमें तुम्हारी गलती है। अगर लगी है मतलब नहीं लगी है और लगी है तो तुम्हारा सक्सेस है, तुम्हारी मेहनत है, ठीक है, साफ सीधी बात यही है। जो इंटरव्यू आने तक है ना उसमें जिसके कॉल्स आ रहे हैं और तुम्हारे नहीं आ रहे उस पर दुख मनाने की जरूरत नहीं है। सबकी प्रोफाइल डिफरेंट है, कोई 4 साल काम करके भी आया हुआ है, कोई फ्रेशर भी है, तो सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो ये इंटर्नशिप का स्ट्रगल यहाँ पे है, रियल है, नहीं लगती है काफ़ी लोगों की, काफ़ी लोगों की अच्छी अच्छी जगह भी लग जाती हैं, और काफ़ी लोगों की मेरे जैसों की एंड में भी लगती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और जो इंटर्नशिप अपना मैंने बताया था कि कैसे इंटर्नशिप लग सकती है, उस पर काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ मैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेकआउट कर लेना। और ये था अपना पांचवा स्ट्रगल, ठीक है। अगला जो अपना स्ट्रगल मैं बताने वाला हूँ छठा, जो कि यार मेरे को यूट्यूब पे ना वीडियो मिली नहीं उसके लिए, तो मेरे को लग रहा था कि यार इस पे तो बनानी पड़ेगी, विच इज़ होम सिकनेस और लोनलीनेस। यहाँ पे आप आते हो, आपका अगर कोई नहीं है तो ऑब्वियसली होनी ही होनी है, कोई इसमें दो राय नहीं है, कोई मतलब आप मतलब ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जो अगले वाला स्ट्रगल है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।